तो गाइस चल रही हूँ हम लोग खाना खाने के लिए। आज मैं दोपहर के 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम में लग जाती है तो नहीं कर रहता है गाइस। चलिए नहीं काम में रहते। देखिए मैंने लिया है दाल फ्राई, रोटी और आलू का कलौजी। आलू का जो घर का मसाला वाला होता है ना, उसको डाल कर मैंने आलू का कलौजी बनाया। तो चल रही हूँ फटाफट से खाना खाने के लिए। बहुत जोर की भूख लगी, सुबह से कुछ खाना नहीं है। नहावा के खाना बनाने में, काम करने में लग जाती हूँ। अब चल रही हूँ खाना खाने के लिए। मैं और मेरी बिटिया दोनों लोग हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बहुत सारे काम करना है। कपड़ा वपड़ा जो फैला है सब कपड़ा वपड़ा हटा के समेट के सब रखना है। तो चलिए गाइस हम खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं। चलिए बहुत ज़ोरों की भूख लगी गाइस, फटाफट से मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी और फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। ओके गाइस। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो गई है तो हम खाना खा के सो गए थे और देखिए अभी उठी हूँ। बाल वगैरह झाड़ के थोड़ा सा कपड़ा पहन ली हूँ क्योंकि आज मंडे है और मैं जा रही हूँ दर्शन करने को। और मेरी बिटिया को दूध पिला रहा है क्योंकि दूध नहीं पिलाऊंगी तो गाइस आने में अगर लेट हुई तो ये ऐसे ही रह जाएगी, इसलिए दूध पिला के इसे जा रही हूँ। और बहुत बदमाशी करती है गाइस, ये पानी पी पी कर देखिए गिलास रखी यार, यहाँ से हटाने बिल्कुल नहीं देती, बोलती नहीं हटाना ये मेरा गिलास है। तो सारे कपड़े हमने यहाँ से हटा दिए, आप देख सकते हो सारे कपड़ों को हटा दिया है। बहुत ज़्यादा गाइस इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, चारों तरफ फैल जाता है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं, उसको दूध पिला लेते हैं, उसको दूध पिला के फिर चलते हैं दर्शन करने। और आप भी हमारे साथ चलिएगा, हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते गाइस, मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ रहती है। भगवान जी जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पास बहुत भीड़ रहती है। मामे के लिए मंदिर जाएंगे, चलिए दर्शन वगैरह करके आती हूँ और आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ। आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, बने रहिएगा ऐसे ही। ओके गाइस। सो गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए, आप देख सकते हो ऑटो में फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं अकेले बैठी हुई हूँ टोटो में और अच्छा से इंजॉय करते हुए जा रही हूँ। कोई नहीं रहता अगल बगल गाइस तो अच्छा लगता है। और देखिए मैं रास्ते का वीडियो बना रही हूँ। मैं पहुँच गई और वहाँ से फिर ऑटो जहाँ उतारता है वहाँ से काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है। तो देखिए हम पैदल चल के जा रहे हैं वहाँ मंदिर तक और मंदिर पर पहुँच गए हैं। तो मैंने दर्शन वगैरह करके मैं बैठी हुई हूँ मंदिर में। तो देखिए दर्शन मैंने कर लिया है और मंदिर में मैं बैठी हुई हूँ, बैठ के भगवान जी का मंत्र जप कर रही हूँ। और यहाँ सब लोग बैठ के मंत्र जप कर रहे हैं, हम मैं भी बैठी हूँ यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। गाइस मंदिर में जाकर बहुत शांति मिलती है। और देखिए सब लोग हैं मंदिर में दर्शन करने आए हैं। एक तरफ लेडीज़, आज लेडीज़ का ज़्यादा भीड़ नहीं था। देखिए एक साइड खाली है, पूरा महिला वाला खाली है, जेंट्स का थोड़ा सा भीड़ है, ज़्यादा भी भीड़ नहीं। आज मंदिर बहुत ही खाली खाली लग रहा था, वरना इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ होता। आपने देखा ही है, मैंने आपको दिखाया। और सामने एकदम दरवाज़ा के बीच में एकदम सामने हमारे महादेव जी विराजमान है। और सामने देखिए एक दूल्हा दुल्हन भी आए थे, शादी न्यूली कपल है, शादी करके आए थे दर्शन करने के लिए। ये देखिए मास्क लगाया है दूल्हा ने, सब लोग आया हुआ है, हम लोग दर्शन करने आए थे। मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया वीडियो। और देखिए हमारे महादेव जी सामने विराजमान है। हम दर्शन करके सब बाहर निकल गए वापस घर जाने के लिए, तो सोचा बाहर से भी थोड़ा सा वीडियो बना लें। तो बाहर से मैंने मंदिर का थोड़ा ही सा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो गाइस। और बाहर यहाँ का हमेशा भीड़ रहता है। तो हम दर्शन करके निकल चुके हैं घर आने के लिए, आप देख सकते हो। और इतना मतलब कि कंजेस्टेड जगह है ना, तो थोड़ा सा जाम लग जाता है, इसीलिए देखिए मैं घर वापस आ रही हूँ। तो चलिए मैं अपने घर वापस आती हूँ। सो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और आकर थोड़ा सा अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करके हवा ले रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइज, इतना दूर से पैदल आना जाना। ऑटो तो जहाँ तक जाता है रोड तक उतार देता है, बट
उतना अंदर कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। आज मैं तो थोड़ा सा घूम फिर के पैदल आई हूँ, बहुत दिनों बाद गई थी, गोलगप्पा खाया, बच्चों के लिए मैं नूडल्स लेके आई हूँ, चलिए बच्चों को नूडल्स खिला देती हूँ, नूडल्स क्या चाउमीन लेके आई हूँ खिला देती हूँ। सो गाइस देखिए मैं चाउमीन लेके आई हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को चाउमीन में निकाल कर दे देती हूँ। हाँ बेटा तुम ही खाना निकाल दो, इसमें खाओगी ना, इसमें इसमें क्यों इसमें खाओ ना, इसमें मज़ा आता है खाने में। अच्छा रुकिए आपको उसमें दे रहे, ठीक है ना, नहीं वो कांटा लेके आओ, फोक लेके आओ वहाँ से। तो सो गाइस लाइट भी चली गई, गुस्सा लग रहा है। सो गाइस देखिए मैंने इसमें ले लिया है बाबू के लिए, मैं तो गोलगप्पा खा कर आई हूँ और वो नीचे बैठ के खा रही है। लाइट चली गई, अंधेरा लग रहा है, वो खा रही है। कैसा है बेटा? हाँ अच्छा है, मिर्ची नहीं डाला है तुम्हारे लिए, मर्चा नहीं डाला है, तीखा नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, बिल्कुल मर्चा नहीं डाला है, खा लीजिए ठीक है, खा लीजिए। आइए मेरा बाबू खाएगा। ओ गिरू मत, थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मम्मा तीखा एकदम नहीं गया, मैंने खाना था ना इसीलिए मैं नहीं मनवाया। चलिए बाबू को दे देते, खा ले लो। ऊपर बैठ के एक साइड पे खिलाएंगे, हम खिलाएंगे ठीक, हम अपने हाथ से खिलाएंगे, हम खिलाएंगे अपने हाथ से, ओके ऊपर खाना लेकिन हम अपने हाथ से खिलाएंगे, ओके ले आओ दो, चलो आओ ऊपर। बहुत जिद्दी लड़की है गाइस, बहुत जिद्दी है। चलिए अच्छा गाइस इसको खिला लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, सब्जी मंगाना है, सब्जी बनाना है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ये आईब्रो मेरा ऐसे क्यों उठ जाता है, गुस्सा लगता है। अरे खाना बनाना है तो मैंने नेनुआ मंगाया है, तो मैंने नेनुआ काट लिया है, जल्दी और फटाफट से छोड़ूंगी, नेनुआ प्याज सब कुछ कट गया है। अरे तुमको पीटेंगे, कपड़ा पहनो तुम पहले, मोबाइल में ऐसे ही आ जाता है, पहनो पागल कहीं का। तो मैंने प्याज भी काट लिया, आप चल रही हो फटाफट से छौंक दूँ सब्जी, 9 बज रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नींबू वाला चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, दूध का चाय मैंने छोड़ दिया, अभी दूध का चाय नहीं पी रही हूँ। तो चलिए फटाफट से आज सब्जी बनाते हैं, 9 बज गया है। तो गाइस देखिए मैंने एक तरफ सब्जी को छौंक दिया है और एक तरफ लेमन टी बना रही हूँ, नींबू चाय बना रही हूँ, गाइस आप देख सकते हो। नींबू चाय पीने का मन कर रहा था तो एक साइड मैंने नींबू चाय बैठा दिया है, पकड़ा है, और एक साइड मैंने सब्जी डाल दी है, सब्जी हो रही है। बस सब्जी में नमक डालकर सब्जी को धीमे आँच करके रख दूँगी। और ये कह रही में कितना दाना दाना हो गया भाई, बहुत ज़्यादा दाना हो गया, खुजली भी हो रहा है, लग रहा है फिर नज़र लग गया, चल रहे तो दान हो गया। तो चलिए फटाफट से नमक डाल दूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ, मतलब कि चाय मेरा हो गया, चाय चाय में चाय सब्जी वाले गैस को धीमी करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद आप चाय पीकर आटा सानूंगी। सो गाइस हमारा खाना बन गया है, रोटी वोटी सब मैंने बना लिया और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कूलर से सामने खड़ा कर हवा ले रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। मेरी बिटिया सो गई है, पता नहीं रात को क्या करेगी, अभी सो गई है, सबका सोई है 8 ही बजे का, 8:15 बजे का। तो आज मंदिर गई मैं, 2 हफ्ते नहीं जा पाई थी, तबीयत नहीं ठीक थी, 2 हफ्ते में नहीं गई मैं, और आज गई तो मन को बहुत शांति मिला, अच्छा लगा। नहीं जाती हूँ कहीं, लगता है कि कुछ खो गया है, अजीब अजीब सा खालीपन लगता है, बट आज मंदिर गई तो बहुत अच्छा लगा, मन को शांति भी काफ़ी मिली। तो गाइस चलिए खाना वाना बन गया, बाबू लोग को खाना दे दूँगी, उसके पापा भी आएंगे उनको भी खाना दे दूँगी, या इसे उठा के इसे खाना खिलाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं आज इसी के साथ यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, जितना हो सके उतना हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके गाइस बस इतना ही, बस इतना 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 तू सब बस आपसे मांगती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर से नए ब्लॉग के साथ, देखिए कल क्या दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर गाइस, ओके बाय बाय गाइस।